हैशटैग बच्चन बांटेगी मौज के 1 मिलियन व्यूज की डिमांड पूरी। अक्षय कुमार ने गायब हुए मौज क्रिएटर्स को किया रिलीज। नमस्कार, मेरा नाम है लवि चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। तो बात करते हैं ओटीटी रियलिटी शो लॉकअप की। इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंगना रनौत के शो लॉकअप की धूम है। शुरू होने से पहले ही शो की तुलना सलमान खान के शो बिग बॉस से की जा रही थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद शो बिग बॉस को तो नहीं पछाड़ पाया। पर हां, कंट्रोवर्सी और डार्क सीक्रेट के खुलासे की वजह से लॉकअप लगातार सुर्खियों में जरूर है। तो वहीं अब शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री अली मर्चेंट और शिवम शर्मा के बीच जबरदस्त झगड़ा देखने को मिला। लेटेस्ट एपिसोड में पूनम पांडे, शिवम शर्मा और करणवीर बोहरा को शो में बने रहने के लिए अलग अलग टास्क दिए गए। एक तरफ जहां पूनम पांडे राजकुमारी की भूमिका में थी, तो वहीं शिवम शर्मा एक लवर बॉय के रोल में दिखाई दिए। इसके अलावा करणवीर बोहरा को लोगों के बीच गलतफहमी पैदा करने का टास्क दिया गया था। करणवीर बोहरा अपना टास्क निभाते हुए अली और शिवम के बीच लड़ाई लगवाने में कामयाब रहते हैं। अली पर अटैक करते हुए शिवम अली से कहते हैं कि जानने के बावजूद कि तुम्हारी एक्स वाइफ सारा खान शो पर है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। शिवम ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए और जो कर रहे थे वो करना चाहिए। शिवम की बातें सुनने के बाद अली उनसे कहते हैं कि वो मेकर्स की पसंद पर सवाल उठाने वाला कौन होता है। अली ने ये भी बताया कि वो शो पर बहुत पहले से लॉक थे, यानी अली की एंट्री पहले ही फाइनल थी। अली और शिवम का झगड़ा देखने के बाद सारा कहती है कि लड़ाई में उनका नाम यूज ना किया जाए। आपको बता दें कि शिवम का सारा पर क्रश है, सारा के एक्स हस्बैंड भी शो पर हैं। अब देखना होगा कि ये तीनों शो को किस दिलचस्प मोड़ पर लेकर जाते हैं।